हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिता फन बॉक्स। और मैं हूं अंकिता जैन। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, मैंने सोचा क्यों ना इसे मंगवाया जाए। और जब मैंने इसे मंगवाया तो आप बिलीव करिएगा, ये वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स में से एक हो चुका है। ये कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं है, ना ये कोई ऐसा चीज़ है कि जो अभी यूज़ कर रहा हो और वो ख़त्म हो सकता है। बट ये इतना नीडफुल प्रोडक्ट है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि ये कितना बखूबी, कितना अच्छे से ये वर्क करता है। और आपकी इतनी लंबी चौड़ी जो इतनी मेहनत होती है, उसे चुटकी के अंदर ये ख़त्म कर देता है और आपके सारे काम बहुत जल्द से जल्द ये निपटा देता है। तो ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँ हाउसवाइफ के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, ये इस समय इतने ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है कि मैं मतलब बिल्कुल पेशेंस लेस हो गई थी आप लोगों के संग इसका रिव्यू शेयर करने के लिए और इसे मंगवाने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है क्या, ये है कटर, ये चॉपर है। ये आपकी सब्ज़ी, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपकी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चॉप करनी पड़ती हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जब मैंने इसे देखा था तो मुझे लगा ये भी दूसरे चॉपर्स की तरीके से होगा कि मतलब मंगवा लो और पैसा वेस्ट होता है और आपके हाथ में लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आपको उसके अंदर अपना स्टैमिना वेस्ट करना पड़ता है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। बट नहीं, ये चॉपर उनमें से है कि आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर आपकी इतनी फाइन चॉप्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके सामने होते हैं कि आप मतलब इम्प्रेस्ड हुए बिना रहेंगे नहीं। तो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, ये कार्ड बॉक्स के अंदर आता है, बहुत छोटू सा दिखता है बट छोटा इसका काम नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम करता है। और ये इस तरीके का ये चॉपर है, कंपनी है गणेश। ये बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको अवेलेबल में हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन भी जाते हैं, अगर आप मार्केट्स में जाते हैं अपने लोकल मार्केट्स में, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बट या था फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट पे ही मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल गया था। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतना बड़ा काम करने वाला जो ये छोटा सा चॉपर है, ये मुझे मिला था मात्र 200 रुपये के अंदर, अंडर 200। आपको अगर बहुत अच्छी अच्छी सेल्स चलती हैं, जैसे अभी भी गई थी 1 to 5 फैब की जो एक सेल थी उसके अंदर की 150 तक का आ गया था, 159 का आ गया था। तो अगर आप चेकआउट करते रहेंगे फ्लिपकार्ट पे तो आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट में भी ये मिल सकता है। अगर हम बात करें इसके और सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे साफ लिखा होता है आप वेजिटेबल कट कर सकते हैं, पीनट कट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चिली कट कर सकते हैं, ओनियन हो गई, गार्लिक हो गई, जिंजर हो गई। बट मैंने तो ये सारी वेजिटेबल्स, नट्स वगैरह हो गए, मैंने तो और भी बहुत चीज़ें इससे कट करके देखी थी, जो मैं देखना चाहती थी, एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, क्या ये उन चीज़ों के लिए भी अच्छा साबित होता है कि नहीं होता, जिसके लिए आपको आगे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आगे वॉइस ओवर है, मैंने वीडियो बनाई है, साफ साफ आप लोगों को दिखाया है कि ये क्या काम करता है, कैसे करता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ये आउटर और इनर पैकेजिंग आप लोगों के संग डिस्कस करूँगी, इसके रेट्स डिस्कस करूँगी और यहाँ पर वीडियो ख़त्म कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा और आप रियली इम्प्रेस्ड हो जाएंगे इस प्रोडक्ट से, ये मैं आपको बोल रही हूँ। हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा, एक्चुअली मैंने तो देखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखता है। सबसे पहले इसका जो आता है वो होता है ये ऊपर का कैप, इस तरीके का आपको कैप मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये इस तरीके का आपको मिलता है ये, और इसका इस तरीके की ये पैकेजिंग में है, ये पॉलीपैक के अंदर इस तरीके से आता है, ये ऐसे यहाँ पे ये लगता है, यहाँ लिखा हुआ है गणेश। और इसके अंदर ये ब्लेड्स आपको मिलेंगे, ये बहुत शार्प ब्लेड्स हैं, आप सोचेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला तो आप गलत हैं, अगर जो ये सोच रहे हैं तो इनसे बहुत कुछ होगा और बहुत अच्छा तरीके से चॉप वेजिटेबल, नट्स एंड और भी अदर जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। और ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है, ये आपको छोटू सा होल दिख रहा होगा इसके अंदर, ये होल नहीं है, मतलब ये एक होल्डर टाइप का सा है, ये होल है, ये इसके अंदर इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है और ये रोटेट होता है। अब ये आप सोचेंगे रोटेट कैसे होता है, तो मैं आपको दिखाऊँ, ये कैप इसके अंदर लग जाता है बहुत ईजिली। और ये जो यहाँ पर इसका ये होल्ड करने वाला है, ये इससे
करते हैं हम इसकी साइज के बारे में, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी हम चॉप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको छोटे भी प्रोवाइड होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है वो छोटे इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते हैं, बिकॉज हम उसमें इतनी ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हम उसके अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर चॉप नहीं कर पाते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो मैंने मंगवाया है 200 वाला, तो इससे बड़े भी आपको मिलेंगे जिसमें डबल नाइफ होती हैं, तो वो भी ठीक है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप वो ले सकते हैं, बट मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड साइज़ था तो मैंने यही मंगवाया। बाकी लोगों को ये भी यही मंगवा के दिया, बिकॉज ये होल्ड करने के लिए भी काफ़ी ईजी है, कैरी करने के लिए भी काफ़ी ईजी है, और आपकी किचन के अंदर ज़्यादा जगह बिल्कुल नहीं घेरी। अब आपको ये भी दिखा दूँ कि ये कितना मजबूत है, कि कितना ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे अदर जो ऐसे ऐप हैं वहाँ पर भी मिल रहा है और लोकल मार्केट में भी मिलता है जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ये क्वालिटी जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार भी मिलेगी। तो आप सोचेंगे अरे यही चीज़ तो अंकिता ने दिखाई थी, ये तो बड़ी ख़राब निकली। ना बाबा, मैं आपको सीधे सीधे जो रिकमेंड कर रही हूँ वो कर रही हूँ गणेश कंपनी का, बिकॉज यही मैंने हर बार मंगवाया है अपने घर में, रिलेटिव्स के यहाँ, फ्रेंड्स में, यही कंपनी का मंगवाया है। मैंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ, बाकी अदर मैंने कंपनीज का यूज़ नहीं करा है। तो ये बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है, अगर आप देखें बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है, और इसका जो ये थ्रेड होता है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से रिवॉल्व होगा, होल्ड करने के लिए भी काफ़ी अच्छे से आपकी 3 फिंगर्स हैं जो इसे होल्ड कर सकती हैं ईजिली। अगर हम इसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो जो ब्लेड आपको इसके अंदर मिलेगा वो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। इसके अंदर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील ब्लेड आपको मिलता है। इसके जो नाइफ हैं, जब ये रोटेट होते हैं तो 380 नाइफ कट्स आपको मिलते हैं 20 सेकंड्स के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना फाइनली चॉप ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है। आपको चॉपिंग देता है ग्रेवी के लिए, सैलेड के लिए, पास्ता के लिए, चटनी के लिए, एंड सो मोर अदर थिंग्स, जो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो चॉप करके देखी हैं, तब जाके मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। ISO सर्टिफाइड कंपनी है गणेश, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। नहीं भाई, ये मैंने खुद ने ख़रीदा है। इसकी MRP यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 621 रुपीज़ MRP लिखी हुई है यहाँ पे, इधर के साइड पे 621 रुपीज़ MRP लिखी हुई है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा सेल वगैरह चलती रहती है, तो आप अगर आप वहाँ से परचेज करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही ईजिली 150 या 200 के अंदर आपको मिल जाएगा। और जब से मैंने ये मंगवाया है, आप बिलीव करिएगा, मैंने तो मंगवाया है, साथ ही साथ मैंने अपने लॉस के घर में भी मंगवाया है, और दूसरी तरफ मैंने अपने रिलेटिव्स को भी मंगवा के दिया है, और मैंने फ्रेंड सर्कल्स में भी मंगवाया है, बिकॉज जहाँ जहाँ मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करा है वो सारे इसके फ़ैन बन चुके हैं। बिकॉज कौन नहीं चाहता कि 10 घंटे तक हम जब वो चॉप करते रहते हैं और ये 2 सेकंड के अंदर आपको चीज़ें, मतलब आपको इतना फाइनली चॉप चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। तो आई रियली होप सो कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा, बट जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे हम भरोसा कर लेंगे भाई। बस बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे चलते हैं हम अपने पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं वॉइस ओवर करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने वेजिटेबल्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने चॉप करके दिखाई हैं, एक अच्छे सैलेड वाले फॉर्म में भी, एक बिल्कुल फाइन चॉप के अंदर भी, और एक थोड़ा सा जो मीडियम वाला फेज होता है वेजिटेबल्स का वो भी। तो चलिए, मैंने तो ये दे दी है सारी डिस्क्रिप्शन, इसका रेट, इसकी क्वालिटी, और इसकी एक जो जितनी भी इसकी एक क्या कहेंगे हम, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सारी मैंने इसको आपके इसको इसके बारे में आपको बता दी हैं। तो आगे चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो चलिए, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लेट में रख रखी हैं, सोयाबीन, यहाँ पे अदरक है, मूली है, टमाटर है, मिर्च है, ये आपके पास सामने है ओनियन, और ये सारा सामान आपने बिल्कुल सही समझा, मैं इस चॉपर के अंदर आपको चॉप करके दिखाने वाली हूँ काफ़ी अलग अलग साइज़ के अंदर। तो ये है इसके अंदर का होल्डर जो मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अब एक एक करके मैं चीज़ें इसके अंदर डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फाइनली चॉप हो रही हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ली है, ओनियन, और ये अच्छे से मैं इसे देख लूंगी कि ये अच्छे से टाइटली लगा है कि नहीं लगा है, और मैं इस तरीके से इसे पकड़ के और दूसरी साइड से होल्ड करके और इसे अच्छे से पुल करना स्टार्ट करूँगी, खींचना स्टार्ट करूँगी। और आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 9 से 10 बार इसे पुल किया है, और देखिए ये आपके आपको दिख रहा होगा कि इसके साइजेस कितने छोटे हो गए हैं। अब मुझे और फाइन चॉप चाहिए ओनियन, तो मैं थोड़ा सा और इसे पुल करूँगी,
एंड फाइनली आपके सामने है रिजल्ट। कितना बखूबी तरीके से ये प्याज जो हमें बहुत टाइम लगता है चॉप करने के लिए, ये कितनी जल्दी और कितनी फास्ट तरीके से ये चॉप हो चुकी है। तो इसी तरीके से अब मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बरी डाली हैं और इन्हें चॉप करना काफ़ी मुश्किल होता है और ये बिल्कुल भी सोक्ड नहीं है, ये मैंने बस पानी से निकाल के और इसमें डाल दी हैं। अब ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये बीच में ही ये थोड़ा सा रुक गया था, ये इसलिए और कि अगर कभी ऐसा होता है आपके संग तो ये आप ही की गलती होगी, आप इसे अच्छे से टाइटली अंदर फिक्स कर दीजिए तो ये नहीं निकलेगा। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या है, कितनी फाइन चॉप सोयाबीन आपको मिल गई हैं। और काफ़ी टाइम लगता है सोया चंक्स के लिए, इस तरीके की सब्ज़ी बनाने के लिए, मोमोज के अंदर फिल करने के लिए, जो हमें बहुत ही जल्दी ये मिल जाएंगी। अब बारी आती है टमाटर की, टोमेटोस तो मैंने इसके अंदर डाले और ये थोड़ा सा जो बड़ा वाला साइज़ होता है जो हम सब्ज़ियों के अंदर यूज़ करते हैं ये वो है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का साइज़ चाहते हैं, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, सेमी चॉप्ड, या फिर आप चाहते हैं थोड़े बड़े पीसेस चाहते हैं। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे ग्रीन चिल्ली, अदरक, ये दोनों चीज़ें डाल रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम सब्ज़ी वगैरह के अंदर ये चीज़ें डालते हैं और हमें काफ़ी देर तक इसे चॉप करना पड़ता है। और आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये दोनों चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब आप देखिए कमाल, बस देखिए कितने छोटे पीसेस हुए हैं, कितने स्मॉल साइजेस आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे सब्ज़ी के अंदर यूज़ करना या बाकी सारी चीज़ों में जहाँ आप लोग चाहते हैं, जैसे सब्जियों के अंदर, जहाँ जहाँ स्टफिंग के अंदर। एंड फाइनली आती है यहाँ पे मूली की बारी, बिकॉज मूली के पराठे, गोभी के पराठे हर किसी को पसंद है, बट थोड़ी सी मेहनत होती है घिसने के लिए, चॉप करने के लिए। तो इसके अंदर मूली, गोभी बहुत फाइन चॉप हो जाते हैं कि आप उनके पराठे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं प्लेट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के अंदर जो मैंने चॉप करी थी, ओनियन, आपके सोयाबीन, टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ। फाइनली अब आती है हेडेक सबसे बड़ी की, अरे धोने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए बहुत इजी वे है इसे धोने का, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको नॉर्मल पानी के नीचे इसे धोना है और बहुत ही इजी वे के अंदर से जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, बिल्कुल भी आपको इसके संग हेडेक नहीं पानी है, बहुत ईजी तरीके से ये निकल जाती है इसकी गंदगी। और देखिए आपके सामने है और ये मैंने पानी के नीचे से रखा, अपने आप ही जितनी भी इसकी डर्ट होती है, गंदगी होती है, वो सब निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं इसे डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी आप लोगों के लिए।